चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे, देखो पकड़ो यारो, घड़ी के काटे भागे। एक कहानी खत्म तो दूजी, अरे शुरू हो गई मामू। इसरो है तो चांद और सूरज सब होगा हमारे पास। जी हाँ मित्रों, इसरो ने चंदा मामा को छूने के बाद अब तैयारी कर ली है सूर्य नमस्कार की। चंद्रयान 3 के बाद अब आदित्य L1 की बारी। 2 सितंबर को 11:50 पर आदित्य L1 सूर्य की राह पर कर चुकी है अपना यात्रा शुरू। क्या आप जानते हैं इस मिशन का आदित्य नाम क्यों रखा गया है? आदित्य के साथ L1 क्यों कहा जाता है? दुनिया में आखिर कितने देश है जिन्होंने अभी तक सूर्य की यात्रा की है? क्या काम होगा आदित्य L1 का? क्या क्या दिक्कतें हो सकती है आदित्य L1 को? आदित्य L1 से हमें क्या फायदा मिलेगा? आज आदित्य L1 से जुड़ी ऐसे ही कुछ तथ्यों के ऊपर हम बात करेंगे। जय हिंद मित्रों, मेरा भारत महान और हम भारतीय है शानदार। क्रेजी कबूतर के आज के इस नए एडिशन पर हम आपका स्वागत करते हैं। आदित्य क्यों? आदित्य है सूर्य का एक और नाम, लेकिन इसमें L1 क्या है, क्या कहते हैं इसे, चलिए जानते हैं L1 के बारे में। L1 का मतलब है लैग्रेंज पॉइंट। न्यूटन के थर्ड लॉ तो हम सभी कमोबेश जानते ही हैं, जो कि कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। स्पेस में भी यह रूल फॉलो होता है, मतलब अगर सूरज की ग्रेविटी पृथ्वी को इफेक्ट करती है तो पृथ्वी की ग्रेविटी भी सूरज को उतना ही इफेक्ट करती है। लैग्रेंजियन पॉइंट वह है जहां गुरुत्वाकर्षण बल तथा ग्रेविटी दो वस्तु के बीच कार्य करते हुए एक दूसरे को इस तरह से संतुलित करते हैं कि अंतरिक्षयान लंबे समय तक उस स्थान पर मंडरा सकता है। इसका उपयोग अंतरिक्षयान द्वारा न्यूनतम ईंधन खपत के साथ एक निश्चित स्थिति में रखने के लिए अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में किया जा सकता है। ऐसे 5 विशेष बिंदु है जहां एक छोटा ऑब्जेक्ट 2 बड़े ऑब्जेक्ट्स के साथ एक स्थिर पैटर्न में परिक्रमा कर सकता है। 5 लैग्रेंज बिंदु में से 3 अस्थिर है और 2 स्थिर है। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु है जिन्हें L1, L2 और L3 लेवल दिया गया है, वही स्थिर लैग्रेंज बिंदु जिन्हें L4 और L5 लेवल दिया गया है। 100 अवलोकनों के लिए L1 बिंदु को लैग्रेंजियन बिंदुओं में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी खोज गणितज्ञ जोसेफ लुईस लैग्रेंज ने की थी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला या ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 अंतरिक्षयान PSLV-C57 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया। L1 पॉइंट ही क्यों चुना? L1 एक ऐसा स्थान है जहां से सूर्य को 2400 घंटे ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये वो जगह है जहां धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच एक बैलेंस बन जाता है। धरती और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के बीच बैलेंस होने से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है। इस फोर्स की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट एक जगह स्थिर रह सकता है। के अलावा इस स्थान को दिन और रात की साइकिल प्रभावित नहीं करती। यहाँ से सूरज 7 दिन और 2400 घंटे दिखाई पड़ता है। वही ये पॉइंट पृथ्वी के नजदीक है और यहां से संचार में काफी आसानी होती है। इस कारण से यह स्थान स्टडी के लिहाज से भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब तक कितने सूर्य मिशन भेजे गए, सूर्य के बारे में क्या क्या पता चला है? इसरो ने ट्वीट करके कहा है कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। सूर्य के अध्ययन के लिए अब तक केवल अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जर्मन एयरोस्पेस सेंटर ने अलग अलग और संयुक्त अंतरिक्ष अभियान भेजे हैं। नासा ने 3 मुख्य मिशन भेजे हैं, सोहो यानी कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, पार्कर सोलर प्रूफ एंड आयरिस इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या है आदित्य L1 का मकसद? सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग की स्टडी करना, फ्लेयर्स पर रिसर्च करना, सौर कोरोना की भौतिकी और इसका तापमान को मापना, कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान करना, इसमें तापमान वेग और घनत्व की जानकारी निकालना,
सूर्य के आसपास हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता को जांचना। आदित्य L1 के जरिए हम दूसरे गैलेक्सी के बारे में जानकारी पाने की कोशिश करेंगे। मिशन के जरिए हासिल किया गया डाटा भविष्य के दूसरे मिशनों के लिए कारगर साबित हो सकता है। भारत का पहला सौर्य मिशन सूर्य की गर्मी से कैसे बचेगा? आदित्य L1 सूर्य की गर्मी में नहीं जलेगा, क्योंकि यह वास्तव में सूर्य में नहीं जाएगा। इसे सूर्य पृथ्वी L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर और सूर्य से 148.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यह आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी की दूरी का मात्र 1% पर रखता है। इस दूरी पर सूर्य की गर्मी अभी भी बहुत तीव्र है, लेकिन आदित्य L1 को MLI यानी मल्टी लेयर इंसुलेशन नामक एक विशेष सामग्री से बने हीट शील्ड द्वारा संरक्षित किया जाएगा। MLI सूर्य की अधिकांश गर्मी को अंतरिक्ष यान से दूर परिवर्तित करेगा, जिससे यह संचालित करने के लिए पर्याप्त ठंडा रहेगा। सूर्य का अध्ययन जरूरी क्यों है? सूर्य निकटतम तारा है और इसलिए अन्य तारों की तुलना में इसका अधिक विस्तार से अध्ययन किया जा सकता है। इसरो के मुताबिक सूर्य का अध्ययन करके हम अपनी आकाशगंगा के तारों के साथ साथ कई अन्य आकाशगंगाओं के तारों के बारे में भी बहुत कुछ जान सकते हैं। सूर्य एक अत्यंत गतिशील तारा है, जो हम जो देखते हैं उससे कहीं अधिक फैला हुआ है। इसमें कई विस्फोटकारी घटनाएं होती है। इसके साथ ही सौरमंडल में भारी मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ता है। यदि ऐसी विस्फोटक सौर घटना पृथ्वी की ओर भेजी जाती है, तो यह पृथ्वी के नज़दीकी अंतरिक्ष वातावरण में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर सकती है। कई अंतरिक्ष यान और संचार प्रणालियां ऐसी समस्याओं का शिकार बन चुकी है, लिहाजा पहले से ही सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऐसी घटनाओं को प्रारंभिक चेतावनी के रूप में जारी करना अहम है। इनके अलावा यदि कोई अंतरिक्ष यात्री सीधे ऐसी विस्फोटक घटनाओं के संपर्क में आता है, तो वह जोखिम में पड़ सकता है। सूर्य पर कई तापीय और चुंबकीय घटनाएं घटती है, जो प्रचंड प्रकृति की होती है। इस प्रकार सूर्य उन घटनाओं को समझने के लिए एक अच्छी प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करता है, जिनका सीधा सीधा पृथ्वी में प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 की तरह हमारा आदित्य L1 भी सफल बने, फिर से और एक बार हम कामयाबी का झंडा गाड़े। तो मित्रों, ये तो था मिशन आदित्य L1 को लेकर हमारा एक छोटा सा वीडियो विश्लेषण। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भविष्य में आने वाले हमारी वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल क्रेजी कबूतर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए विदा लेते हैं मित्रों। जय हिंद।